दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी एडवेंचर ट्रिप के लिए या फिर आपकी कैंपिंग वगैरह में भी ये काफी ज्यादा काम के रहेंगे। तो शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 9, जेड बॉय। दोस्तों अगर आप कैंपिंग पर जाते हैं या फिर कहीं घर से बाहर होते हैं और आपको साफ पानी की जरूरत होती है जिसे कि आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकें या फिर जिससे अपनी आप चाय कॉफी बना सकें, तो दोस्तों इसके लिए आपको जरूरत होती है एक छोटे से स्टोव की जिसमें कि आप ये काम कर पाए। हालांकि बहुत से लोग लकड़ी वगैरह जलाते हैं इस काम के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय लेता है और ये चीज वेदर पर भी डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के बॉयलर को, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से आपके पानी को गर्म करने का काम करेगा। दोस्तों इसमें 1 लीटर पानी को सिर्फ 100 सेकंड के अंदर ही उबाला जा सकता है, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहेगी। इसमें नीचे की तरफ एक कम्बशन चैम्बर लगा होता है जहां पर आग जलती है। इसे आप नॉर्मल जिस तरीके से एक छोटे से स्टोव को जलाते हैं ठीक वैसे ही ऑपरेट कर पाएंगे। ये स्टोव देखा जाए तो साइज वाइज बेहद छोटा और लाइट वेट रहता है, जिसे कि आप अपने बैकपैक में भी डालकर आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस छोटे से बॉयलर के लिए 1 लाइक बनता है। अगर आप भी बाहर जाते हैं तो इसे अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। नंबर 8, गामा। दोस्तों अगर आप कैंपिंग पर जा रहे हैं और आप वेदर को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको किस तरीके के कपड़े कैरी करने चाहिए, तो इस तरीके की जैकेट के बारे में आपको एक बार जरूर से सोचना चाहिए। दोस्तों इस जैकेट की खास बात ये रहती है कि इसमें अंदर हीट कंडक्टिंग कॉइल्स लगी रहती हैं, जो कि आपको सर्दी के मौसम में गर्म रखने का काम करेंगी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और अपने आप को ठंडा रखना है, तो उसका भी ऑप्शन आपको इसमें दे रखा होता है। यानी कि दोनों ही मौसम में ये आपके लिए बेहतर रहेगी, जो कि आपको ठंड से तो बचाएगी और साथ ही गर्मी से राहत भी देगी। तो इस तरीके की जैकेट में रहती है एक यूनिक टेक्नोलॉजी, जो कि इसके बैक पर और इसकी पॉकेट्स में लगी होती है, और इसकी मदद से ये आपकी पूरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। तो दोस्तों इस तरीके के गैजेट को आप ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि एकदम अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी है, जो कि सिर्फ आपको 10 सेकंड के अंदर मौसम से राहत देगी। दोस्तों इसमें आपको एक पावर बैंक को इनबिल्ट करना होता है, जिससे कि इसे पावर मिलती है और ये ट्रैवलिंग को देखते हुए एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग बहुत सारी पॉकेट्स भी दे रखी होती हैं जिनमें कि आप अलग अलग सामान को रख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी खरीदना चाहते हैं अपने ट्रैवल पर्पस एक जैकेट, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। नंबर 7, फ्लेक्स टेल गियर लाइट वाटर प्यूरिफायर। दोस्तों अगर आप कहीं टूर पर जाते होंगे तो ये चीज आपने यकीनन फील करी होगी कि जो भी पानी आप अपने साथ लेकर चलते हैं वो एक समय बाद खत्म हो जाता है, और फिर आपको तलाश होती है एक ऐसे वाटर सोर्स की जहां पर आपको साफ पीने का पानी मिल सके। लेकिन आज की तारीख में ऐसे वाटर सोर्स का मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए जनरली लोग वाटर बॉटल्स खरीद लेते हैं मार्केट से। लेकिन ये चीज थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी सही नहीं होती। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के वाटर प्योरीफायर को, जो कि खासतौर पर ट्रैवलर्स के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों इस वाटर प्योरीफायर की खास बात ये होती है कि इसमें आप जरूरत के हिसाब से अलग अलग फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, और दोस्तों ये सिंगल चार्ज पर लगभग 100 लीटर पानी को साफ कर सकता है, जो कि एक अपने आप में कमाल की बात रहेगी। इसे आप इजीली कहीं भी लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। साइज में ये बेहद छोटा रहेगा और जिस भी पानी को आप साफ करना चाहते हैं तो बस उसमें डुबो दीजिए, जिसके बाद पानी पाइप से होता हुआ फौरन आपकी बॉटल में आ जाएगा। तो है ना दोस्तों कमाल का गैजेट, जहां चाहे वहां साफ पानी मिल सकता है सिर्फ इस छोटे से गैजेट की मदद से। नंबर 6, लाइफ सेवर। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि ट्रैवलिंग में आपका मल्टीपर्पज यूज में आता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको साफ पानी नहीं मिलता है तो इसके यूवी अटैचमेंट का आप इस्तेमाल करके अपने वाटर को यूवी प्योरीफाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको एक छोटा सा अटैचमेंट और मिल जाता है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए होता है। मान लीजिए अगर आप कहीं ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर आपको जान का खतरा रहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने आप को सिक्योर रख सकेंगे। और इस गैजेट में आपको एक इमरजेंसी सायरन सिस्टम दे रखा होता है, जिससे कि आप जरूरत पड़ने पर किसी को सिग्नल देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों इसके फीचर्स यहीं पर खत्म नहीं हो जाते। इसका सबसे कमाल का फीचर ये रहता है कि अगर इसकी बैटरी खत्म भी हो जाए तब भी आप इसमें लगे हुए एक छोटे से हैंडल की मदद से इसे गोल गोल घुमाकर चार्ज कर सकते हैं। तो काफी कमाल की ये चीज रहती है, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल एक लाइफ सेवर टूल के तौर पर कर सकते हैं। साथ ही ये आपके लिए एक टॉर्च और पावर बैंक की तरह भी काम करेगा, जिससे कि आप अपना फोन भी चार्ज कर सकेंगे। नंबर 5, लाइफ टेंट सर्वाइवल शेल्टर। दोस्तों अगर आप कैंपिंग पर जा रहे हैं तो अपने साथ टेंट जरूर से ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारे टेंट मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जिन्हें की लगाना बहुत मुश्किल भरा होता है और कहीं ना कहीं वो वेदर रेजिस्टेंट भी नहीं होते। यानी कि अगर काफी तेजी से पानी बरस जाए या फिर बर्फ पड़ने लगे तो कहीं ना कहीं आपको टेंट के अंदर ये सारी चीजें फील होंगी। तो दोस्तों इसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के टेंट को, जो कि कैंपिंग में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। सबसे पहले बात करी जाए इस टेंट के साइज की, तो ये साइज में बेहद छोटा होता है। इसे रोल करके आप इजिली अपने बैकपैक में लेकर कैरी कर सकेंगे।
इसके साथ आपको एक नायलॉन रोप देखने को मिल जाती है जिन्हें की दो पेड़ों के बीच में आपको बांधना होगा, जिससे कि आप टेंट को इजिली सेटअप कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस टेंट के अंदर का हिस्सा हीट रिपेलेंट होता है, जिससे कि टेंट के अंदर की गर्माहट को अंदर ही रहने देता है और बाहर के मौसम का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज बेहद कमाल की होती है। इमरजेंसी सिचुएशंस में आप इस तरीके के टेंट का इस्तेमाल आप एक स्लीपिंग बैग के तौर पर भी कर सकेंगे। तो कमाल का रहता है ये टेंट, जो कि कैंपिंग की फीलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। नंबर 4, टाइटन सर्वाइवर स्टील फेरो रॉड। दोस्तों अगर आप कैंपिंग करते समय रात में स्टे करते हैं तो आपको हल्की फुल्की आग जलानी पड़ती है आसपास, लेकिन दोस्तों अगर वेदर अच्छा ना हो तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत से लोग लाइटर वगैरह लेकर कैरी करते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि लाइटर और मैच बॉक्स काम नहीं आते। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि एक ऐसी रॉड होती है जिसे कि अगर आप लोहे के साथ रगड़ेंगे तो इसमें चिंगारी निकलती है, जिससे कि आग को इजीली जलाया जा सकता है। इसे खासतौर पर आग जलाने के लिए ही बनाया गया है। इसके साथ आपको एक छोटा सा ग्रिप हैंडल रखा होगा। वहीं दोस्तों इस ग्रिप हैंडल में लगी होती है एक हाई डेसिबल वाली विसल, जिसका इस्तेमाल आप लोगों को सिग्नल देने के लिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में कर सकेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो साइज में ये बेहद छोटा सा गैजेट होता है, जिसे कि आप अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं कैंपिंग के दौरान। नंबर 3, कैंपेनियन इमरजेंसी सर्वाइवल सिस्टम। दोस्तों बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कैंपिंग के दौरान कि आखिर किस तरीके के बैकपैक का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा बैकपैक दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर कैंपिंग के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बैकपैक की, तो वहां पर आपको कोई स्पेशलाइज स्पेस नहीं दे रखा होता है चीज और सामान को रखने के लिए। लेकिन दोस्तों इस बैकपैक की अगर बात करी जाए तो दोस्तों कैंपिंग से जुड़े हर सामान को रखने के लिए यहां पर आपको एक अलग सेक्शन दे रखा होगा। यहां तक कि फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर मोबाइल फोन तक को रखने के लिए यहां पर आपको अलग अलग पॉकेट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आप अपनी जरूरत का सामान रख सकते हैं और ये बेहद इजी एक्सेस रहता है इसे ओपन करना और इसे सामान निकालना। तो ये चीज इस बैग को कहीं ना कहीं खास तो बनाती ही है। साथ ही दोस्तों ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ और फायर रेजिस्टेंट भी होता है, जिससे कि कैंपिंग के दौरान किसी भी तरीके की सिचुएशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इमरजेंसी कंडीशन के लिए यहां पर आपको फोन चार्जर और रेडियो की सुविधा भी दे रखी है इस बैकपैक में। साथ ही इसकी किट में आपको बहुत सारे टूल्स भी देखने को मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कमाल का रहता है ये बैकपैक, जो कि खास तौर पर बनाया गया है कैंपिंग के लिए। नंबर 2, नेमो रिक्लाइनिंग चेयर। दोस्तों अगर आप अपना कैंप में टेंट वगैरह लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए एक चेयर की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि आप इजीली बैठकर रिलैक्स कर सकें थोड़ी देर। तो इसके लिए अगर आप कैंपिंग में रखना चाहते हैं अपने साथ एक ऐसी रिक्लाइनिंग चेयर जो कि आपको नेक्स्ट लेवल का कम्फर्ट फील कराए, साथ ही साइज में बेहद छोटी हो, तो ये चीज काफी कमाल की रहेगी। दोस्तों इसकी खास बात ये रहती है कि ये साइज में इतनी ज्यादा छोटी रहेगी कि लगभग इसका साइज एक बॉटल के बराबर होगा, लेकिन जहां चाहें आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और इसे एक चेयर का रूप दे सकेंगे। साथ ही बैठने के दौरान अगर आप इसमें हल्का फुल्का पीछे झुक भी जाते हैं तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसकी रॉड्स फ्लेक्सिबल रहती हैं और इसे रिक्लाइनिंग कंफर्ट के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से आप इस चेयर को हमेशा अपने किसी भी ट्रिप में साथ रख सकते हैं। वहीं दोस्तों इस तरीके की चेयर का इस्तेमाल एक जगह पर और किया जा सकता है, जैसे कि अगर आपको ट्रेन में सीट न मिल रही हो तो आप फौरन इस चेयर को इंस्टॉल करके वहां पर भी बैठकर सफर का मजा ले सकते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है इंडिया के अंदर काफी पॉपुलर होने वाली है आगे आने वाले समय में, जिससे कि आप भी एक बार यकीनन इस्तेमाल करना चाहेंगे। नंबर 1, क्यूरा हैमॉक क्यूला। दोस्तों कैंपिंग के दौरान कंफर्ट काफी मायने रखता है और जनरली ये चीज पॉसिबल भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब आप घर के बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्ट थोड़ा सा भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कैंपिंग के दौरान अपने कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये एक तरीके की टेंट बेडिंग्स होती हैं, जिन्हें कि आप दो पेड़ों के बीच में बांध कर आराम से उसमें सो सकते हैं। इन बेडिंग्स का मटेरियल काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और साथ ही वेदर रेजिस्टेंट भी, जिस पर पानी और बर्फ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी एक टेंट लगा सकते हैं, जो कि आपको एडिशनल सिक्योरिटी देता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिर्फ आराम करना चाहते हैं तो ये बेडिंग्स आपको काफी पसंद आने वाली हैं। तो एक तरीके का छोटा सा मिनी टेंट हो जाता है, जिसमें कि आप आराम भी कर सकते हैं और साथ ही आपको कंफर्टेबल भी फील होगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा है। साथ ही वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, इस बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उनकी कीमत जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।